स्वागत है गाइस आप सभी का मिड मैच एनालिसिस में। मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आयुष शर्मा और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। दूसरा मुकाबला होगा ब्रेक के उस पर आधे घंटे के बाद 8 बजे लाइव विराट कोहली की टोली और सनराइजर्स हैदराबाद के भी होंगे रणबागरे बिरयानी आज खा के जाएंगे या फिर होंगे परेशान। चलिए स्क्रीप करेंगे मैच की चर्चा बाद में। यहाँ पर चर्चा करने के लिए ज़रूरी है कि आयुष जो मुकाबला भी हमने देखा था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का टॉस जीता पहले गेंदबाजी का बल्लेबाजी का फैसला मुझे लग रहा था ये मुकाबला वहीं पर हार गए। बिल्कुल वहां पे आधा मुकाबला आप हार गए लेकिन आधा मुकाबला आपने जिस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस दी उसकी वजह से हार गए। आपने कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। रियान पराग की पारी को छोड़ दे तो कोई भी 20 का जो आंकड़ा है उसको पार नहीं कर पाया तो वही सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना। दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें आपको हम स्कोर कार्ड बता देते हैं। पृथ्वी शॉ ने 8 रन बनाए, शिखर धवन 16 रन बनाकर आउट हुए, श्रेयस अय्यर ने भी एक कैमियो खेला 15 रन, ऋषभ पंत आज काफ़ी एक अच्छी पारी उन्होंने खेली 38 बॉलों पे 53 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। कॉलिन इंग्रम उनको तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि स्पिन कहाँ हुई कैसे हुई और कब हुई, 12 रन बनाकर आउट हुए। शरफेन रदरफोर्ड ने एक छक्का जरूर लगाया लेकिन फिर वही चीज़ कि आप फॉरन प्लेयर हैं आपको स्पिन झप नहीं रही थी तो आप फिर से आउट हो गए। 11 रन बनाकर अक्षर पटेल ने सिर्फ 1 बॉल खेली और उसमें यहाँ पे 1 ही रन बनाया। अगर हम बॉलिंग की बात करें कृष्णप्पा गौतम 4 ओवर 16 रन अच्छी गेंदबाजी, वरुण एरन 2 ओवर 21 रन तो काफ़ी महंगे साबित हुए। ओशेन थॉमस को आपने सिर्फ 1 ओवर दिया, 1 ओवर में 13 रन दिए। ईश सोडी 3.1 ओवर्स 1 मेडिन 26 रन और 3 बड़े विकेट तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। श्रेयस गोपाल 4 ओवर 21 रन 2 विकेट, रियान पराग को भी 1 ओवर दिया गया और स्टुअर्ट बिनी को भी 1 ओवर दिया गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स ये तो शुक्र मनाएगी चलिए अब और कोई गेम हमें नहीं खेलना है, अब हम वापस आएंगे अगले साल एक नई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, एक नए मतलब कुछ नए चेहरे लेके आएंगे और शायद हमारा जो जो, जो यहाँ पे मतलब अच्छा जो टूर्नामेंट नहीं गया उसको अच्छा करना चाहेंगे। बिल्कुल यार, और सोचने वाली बात है कि आपने 2008 का संस्करण जीता था उसके बाद से फिर आप वापसी कर नहीं पाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था लेकिन उसके बाद 2 और टाइटल जीते, मुंबई ने जब 2013 से स्टार्ट किया उसके बाद टाइटल जीतते चले गए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए माफ़ करिए यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए वापसी की कोई राह दिखी नहीं क्योंकि उस समय आपके पास ऐसे कैप्टन थे शेन वॉन, उन्होंने नए चेहरों के साथ वो टाइटल जीता था लेकिन उसके बाद फिर कहीं भी बात बनती नज़र आई नहीं। तो क्या रीज़न वो हो सकता है कि यहाँ पर जाकर अब वो सोचे कि इतने अच्छे प्लेयर्स हमने लिए थे, जॉश बटलर के साथ आप गए थे, मुझे लग रहा है कि ओवर डिपेंडेंसी इज़ द ओनली रीज़न वेयर दे वर लकिंग फ्रॉम। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं खिलाया और जो फैसले होते हैं जो आपको अपने विवेक से लेने पड़ते हैं, आपको जो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ता है वहाँ पर भी नहीं, 3-4 कप्तान बदले गए यहाँ वहाँ कैसे बात बनेगी यार, एक स्टेबिलिटी दिखी ही नहीं कहीं पर भी। बिल्कुल स्टेबिलिटी बिल्कुल कभी नहीं दिखी आपकी इस टूर्नामेंट में। अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें, राहुल त्रिपाठी पहले 4 मैचों में 5 मैचों में आपने खिलाया उसके बाद आपने उनको घुमा ही दिया, कहाँ है वो हमें पता ही नहीं है, वो दिखते ही नहीं है प्लेइंग 11 में। अब पहले वो ओपनिंग करने के लिए 50 रन बनाए फिर आप उनको 5वें नंबर पे ले आए, वहाँ पे एक परफॉर्मेंस नहीं आया और पूरी टूर्नामेंट के लिए फिर आपने उनको बाहर कर दिया और हमें पता ही नहीं है इस टाइम कि वो डगआउट में बैठे भी हैं या नहीं है, वो चीज़ भी नहीं दिखती है हमें। तो आपने ना तो प्लेयर्स अच्छे लिए ना उसके बाद अगर आपने प्लेयर्स अच्छे भी ले लिए उनको यहाँ पे रोटेट नहीं किया। जैसे स्टीव स्मिथ जोफ्रा आर्चर बेन स्टोक्स गए आपकी जितनी पोल खुलनी थी वो सारी खुल गई और हम देख सकते हैं कि शायद यहाँ पे जो है मतलब राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल बाहर हो चुकी है। तो दूसरी टीम हो चुकी है इस आईपीएल टूर्नामेंट की जो बाहर हो चुकी है इस टूर्नामेंट से। मुझे तो ये मुकाबला नहीं खेलते तब भी मुझे लग रहा था कि ये बाहर ही है क्योंकि आप 2 अंक ले भी जाते तो 13 ही हो रहे थे ना यार, वहाँ से कोई भी एक टीम थी वो 14 अंकों पर फिनिश होती तो आपके लिए तो वैसे भी ये रास्ते बंद हो गए थे। तो बहुत मुश्किलें थी, वो एक मैच बारिश से क्या धुल गया इनकी पारी, इनकी पूरी की पूरी संभावनाएं बारिश के उस पानी में धुलती हुई चली गई आयुष, तो बहुत मुश्किल सी बात हो जाती है यार। लेकिन चलिए यहाँ पर जो हुआ हुआ, अब जाकर सोचेंगे रिलैक्स करेंगे सारे के सारे, अब तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी, अब क्या रहेगा, अब चलिए छोड़िए जो हो गया हो गया, सोचेंगे अगली बार की बात है। लेकिन यस इट्स अ बिग क्वेश्चन टू दी थिंक टैंकर जो है उसके पीछे और ऑक्शन टेबल पर जो जाकर बैठेंगे एक साल बाद फिर से हमें दिखेंगे वहाँ पर 2-4 हाथ करते हुए। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ वापस लौटते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस जरूर लेकिन तब भी आप 116 के छोटे से स्कोर बचाने में 6 खिलाड़ी आउट हो गए, 4 विकेट से आपने ये मैच जीता,
कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात, अगर ये 140 का विकेट होता, स्कोर होता, तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को भी बड़ी परेशानी होती। बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को काफ़ी परेशानी हो सकती थी अगर ये टारगेट कुछ 140 तक का हो जाता तो काफ़ी बहुत ही परेशानी हो सकती थी। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ कि अब इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल के हालात जो है वो किस तरीके से है। तो चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी यहाँ पे टॉप पे है क्योंकि उनका जो नेट रन रेट है वो काफ़ी बेहतर है। CSK 13 मैचेस 9 विंस 18 पॉइंट्स और उनका जो नेट रन रेट है वो है 0.209। दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे 14 मैच खेल चुके हैं, आज आखिरी मैच था 18 पॉइंट्स और उनका जो नेट रन रेट है वो है +0.044। तो अच्छा यहाँ पे जो है मतलब दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छा कमबैक किया है और CSK का कल मैच है तो CSK चाहेगी कि 20 पॉइंट तक जाए और अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है टूर्नामेंट को मतलब इस प्लेऑफ जो उससे पहले जो लीग स्टेज है उसको अच्छे से करे। और उनका मैच है किंग्स इलेवन पंजाब के साथ कल 4 बजे। ये तो कमाल की होगी, मतलब 4 बजे किंग्स इलेवन के लिए एक मौका ज़रूर है, अभी भी उनके लिए ख़त्म नहीं हुआ है मामला। और अगर जीत जाए तो यार क्या बात है, लेकिन यस मैथमेटिकली बाहर नहीं कहे जा सकते, लेकिन नहीं, उनको नहीं सर वो बाहर हो चुके हैं, बाहर हैं। यस मेरे को भी याद आ गया, कल का मुकाबला हार गए थे, मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि कल अगर जीतते तो शायद बात बनती हुई नजर आती। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 13 में से 4 मैच जीती है और 8वें नंबर पर, इनको तो समझते ही नहीं है कि चलो 4 जीतने काम हो गया, बाकी की चीज़ बाद में देखेंगे। सबसे ज़्यादा सिक्स जो बात करें तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगे हैं 1097, उसके बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम 8800 के आसपास लगे हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने 50 रन जो बनाए थे 49 गेंदों से 4 चौके 2 छक्के के साथ फिनिश जरूर किया, लेकिन आज भी वैसी चीज़ नहीं लग रही थी, कभी भी आउट होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अच्छा है कि कुछ रन करके गए और अपनी टीम को जिदा कर लेकर गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि रन्स बनाए, 1-2 शॉट्स उन्होंने ज़रूर खेले, ज़रूर बहुत अच्छे यहाँ पे शॉट्स खेले और तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। बिल्कुल टॉस जो है अब आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे होने वाला है, सिर्फ 1 मिनट का यहाँ पे समय रहता है कि टॉस हो सकता है, तो शायद टॉस तक हम यहाँ पे रहते हैं और उसके बाद जो है आपको अगले मैच तक लेके जाएंगे। तो पॉइंट्स टेबल अब एक तरीके से सेटल हो चुका है, मुंबई इंडियंस के पास भी एक चांस है कि अपनी जो दावेदारी है वो ऊपर लेके जा सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे आ सकते हैं। कल मुंबई इंडियंस वर्सेस KKR का भी मैच है, पिछले मैच में KKR ने रन दिया था अच्छे तरीके से मुंबई इंडियंस को, तो देख सकते हैं कि कल जो है वो चाहेगी कि मैच जो है, क्योंकि लीग स्टेज के आखिरी 2 मैच जो बचे हैं वो कल खेले जाएंगे, तो बहुत ही बेहतरीन और एक्साइटिंग होने वाले ये मैच है। Exactly, तो भैया ये हफ्ता लेकर आया था सबकी कहानी बयां कर गया, दूध का दूध और पानी का पानी भी कर गया, तो कल पता चल जाएगा कि कहानी हो गई है समाप्त और ये मुकाबला तय करेगा कि कौन है चौथा दावेदार कल का और आज का। तो 2 टीमों के बीच ही लड़ाई है, वो है सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। तो किन किन के लिए दरवाजे हो गए बंद, आयुष ने अभी बताया, वो है किंग्स इलेवन पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और तीसरी टीम आपस में जोड़ दीजिए राजस्थान रॉयल्स की। तो चलिए अभी हमारे पास समय है, थोड़ा सा एक एक खिलाड़ी के ऊपर मैं ज़रूर आपको चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि टॉस बस कुछ ही लम्हातों में होने वाला है और चर्चा करने के लिए मेरे पास एक चीज़ पॉइंट ये है कि हम KKR के ऊपर बात करने वाले हैं। कल जो मुकाबला खेला जाएगा रात को 8 बजे मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े में, तो फिर से क्या हम वही दृश्य देखेंगे कि दिनेश कार्तिक के लिए फिर से वही वाली बात है कि इनकी शक्ल देखना नहीं चाहते पर खेलना वही पड़ेगा उन्हीं के साथ? मेरे हिसाब से वही चीज़ होगी क्योंकि दिनेश कार्तिक क्योंकि अपनी टीम को साथ लेके नहीं चल पा रहे, कोई भी ओवरसीज प्लेयर जो है वो लग नहीं रहा उनके साथ है, एक नया गुट बना लिया गया है यहाँ पे सुनील नारायण और आंद्रे रसल ने, तो मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब खराब चीज़ है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। और हम आपको एक क्विक अपडेट दे दें तो विराट कोहली ने थैंकफुली और लकीली यहाँ पे टॉस जो है वो जीत लिया है, 10 टॉस हारे थे इस पूरे टूर्नामेंट में, उसके बाद जाके एक टॉस जो है वो जीते हैं, तो विराट कोहली ने टॉस यहाँ पे जीत लिया। अब आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या यहाँ पे सबसे पहले लेने का निर्णय लिया है और अभी हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ आती है। तो विराट कोहली ने एक आपको अपडेट तो ज़रूर दे देते हैं कि विराट कोहली ने यहाँ पे टॉस जीते और उन्होंने पहले यहाँ पे गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मेरे हिसाब से ये एक थोड़ा सा अटपटा डिसीजन, लेकिन शायद ड्यू फैक्टर की वजह से ये चीज़ कर रहे होंगे। यस, और कुछ तो रह नहीं गया, यस RCB won the toss, choose to बोल गेंदबाजी का फैसला यहाँ पर किया हुआ है।
तो चलिए यहाँ पर तो हो चुकी है बात कि टॉस तो यहाँ पर हो गया है, गेंदबाजी करेंगे पहले आरसीबी, बल्लेबाजी करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ पर समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आयुष कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और जो अगले मैच का जो स्ट्रीम है वो आपको मिलेगा इस डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा तो अगले मैच का जो स्ट्रीम वहाँ पे चालू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से साइन ऑफ करते हैं, अब मिलेंगे यहाँ पे हम आपको अगले मैच के लिए 7:45 पे, जब हम आपको इनसाइट्स बताएंगे क्या प्लेइंग 11 है, क्या किस तरीके से अप्रोच होगा इन दोनों टीम्स का। तो थैंक यू सो मच कि आप हमें इस कवरेज के लिए जुड़े। अब अगली कवरेज पे हम आपको मिलेंगे 7:45 पे, तो स्टे ट्यून टू स्पोर्ट्स फ्लैशेज।